कपकेक हर किसी को बहुत ज्यादा पसंद होते हैं, और आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए एक बहुत ही ज्यादा टेस्टी, डिलीशियस और इजी रेसिपी कपकेक्स की लेके आई हूँ गाइस। इसे हम एक खास ट्रिक से बनाने वाले हैं, और ये इतने ज्यादा इजी ट्रिक है, इतना ज्यादा इजी मेथड है कि इसे कोई भी बना लेगा। तो इसके अंदर बैटर कैसा रखना है और सारे टिप्स और ट्रिक्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। तो सबसे पहले 1/4 कप ऑयल मैंने इसके अंदर ले लिया है, ये मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है। और उसके बाद आधा कप इसके अंदर मैं कर्ड ऐड कर दूंगी। अब दोनों चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस रेसिपी के अंदर क्वांटिटी बहुत ज़्यादा मायने रखती है, तो आप सारी चीज़ों की मेजरमेंट बहुत ही ज़्यादा ध्यान से करें। जैसी मेजरमेंट मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताई है, बिल्कुल उसी क्वांटिटी में आप सारी चीज़ें लें। अब आधे कप से थोड़ा सा कम मैंने इसके अंदर दूध ऐड किया है, और इस बात का आप ख्याल रखें कि दूध, दही, इन चीज़ों को रूम टेम्परेचर पर ही लें, ना ज़्यादा ठंडी और ना ही ज़्यादा गर्म होनी चाहिए। अब यहाँ पर फ्लेवर के लिए वेनीला एसेंस ऐड कर देंगे। आप चाहें तो इसके अंदर इलायची पाउडर भी ऐड कर सकती हैं। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से फेंट लेंगे ताकि दही के अंदर जो भी थोड़े बहुत लम्स हैं वो भी एकदम से निकल जाए और ये एकदम से स्मूथ बैटर बन जाए। ये देखिए, अब जब हम इसके अंदर बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा डाल देंगे उसके बाद हमें इसे इतनी स्पीड से नहीं फेंट सकते, तो इससे पहले ही हम इसे अच्छे से फेंट लेंगे ताकि जितने भी कर्ड के अंदर लम्स वगैरह हैं वो निकल जाए। तो ये देखिए, नेक्स्ट इंग्रेडिएंट मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, आधा कप पिसी हुई चीनी। अगर आपके पास शुगर पाउडर नहीं है तो आप नॉर्मल वाली चीनी को भी ग्राइंडर जार में डालें और उसे अच्छे से ब्लेंड कर लें, यानी कि ग्राइंड कर लें और उसे स्मूथ कर लें, और उसके बाद उसे ना जरूर छान लें ताकि जो भी कण रह जाएंगे शुगर के अंदर वो निकल जाएंगे और एकदम स्मूथ पाउडर आपको मिल जाएगा। तो अब ये शुगर पाउडर भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड कर लेंगे। उसके अंदर मैंने 1 कप लिया है मैदा, और जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना इन्हें छानना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, तो इस स्टेप को आप फॉलो जरूर करें। यहाँ पे 1/2 टीस्पून मैं बेकिंग पाउडर ऐड कर रही हूँ, और 1/4 टीस्पून मैंने यहाँ पे बेकिंग सोडा ऐड किया है। अब 1 पिंच इसके अंदर सॉल्ट ऐड कर देंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छे से छान लेंगे ताकि जो भी इसके अंदर इम्प्योरिटीज़ होंगी वो निकल जाएंगी। अब इस बैटर को हमें बिल्कुल धीरे धीरे मिक्स कर लेना है, इसे बहुत ही तेज़ी से हमें नहीं फेंटना है। अब कट एंड फोल्ड के मेथड से, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप होता है जिसे कई बार हम लोग स्किप कर देते हैं और फिर हमारे जो केक्स वगैरह होते हैं और कपकेक्स वगैरह होते हैं वो अच्छे से फूलते नहीं हैं या फिर वो सेंटर में से नीचे बैठ जाते हैं। तो इसे हमेशा कप एंड फोल्ड के मेथड से एक ही डायरेक्शन में हमें घुमाना होता है, इस बात को आप अच्छे से नोट कर लें। तो ये देखिए, इसे कट एंड फोल्ड के मेथड से ही हमें अच्छे से मिक्स करना है, और अब इसे हमें रिबन कंसिस्टेंसी तक पहुंचाना है। तो थोड़ा सा दूध जो मैंने बचाया था वो भी इसमें डाल दूंगी। अब दूध हमें यहाँ पे सिर्फ ज़रूरत के हिसाब से ही ऐड करना है, बस हमारा बैटर जो है ये एकदम रिबन कंसिस्टेंसी तक पहुंच जाना चाहिए। मैं आपको दिखाऊंगी कैसी कंसिस्टेंसी चाहिए। तो ये देखिए, इसे बिल्कुल धीरे धीरे हम कट एंड फोल्ड के मेथड से एक ही डायरेक्शन में मिक्स कर रहे हैं, और अब इसे ऊपर की तरफ से नीचे जब आप गिरा के देखेंगे ना तो ये रिबन की तरह गिरना चाहिए। अभी भी इसमें थोड़ा सा और दूध डलेगा, तो मैं इसके अंदर बिल्कुल थोड़ा सा, यानी कि 1 टीस्पून मिल्क मैंने और ऐड किया है। अब इसमें से बिल्कुल थोड़ा सा बैटर, यानी कि इसका 1/3 हिस्सा जो है बैटर का, वो हम एक अलग छोटे से बोल में निकाल लेंगे, और उसके अंदर मैं ग्रीन फूड कलर ऐड करने वाली हूँ। अगर आप लिक्विड वाला कलर यूज कर रहे हैं तो 3 से 4 बूंदे बहुत होंगी, और अगर आप ड्राई वाला यूज कर रहे हैं तो उसे थोड़े से पानी में मिला के ना 1/4 टीस्पून बहुत होगा। तो ये देखिए, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब इस रेसिपी का खास ट्रिक आने वाला है, जिस ट्रिक को फॉलो करके आज की ये रेसिपी हम बनाने वाले हैं। इसमें मैंने लिए हैं मसाले दाने की ये छोटी छोटी कटोरियां, जिसमें बहुत ही इजी तरीके से हम ये कपकेक्स बनाकर तैयार कर लेंगे। इसके अंदर मैंने लगाया है बटर,
आप बटर की जगह डालडा घी भी लगा सकते हैं, कोई भी जमने वाला जो घी हो वो आप इसमें लगाएं, रिफाइंड ऑयल ना लगाएं। और इसके बाद मैदे की डस्टिंग करके ना इसके अंदर थोड़ा थोड़ा वाइट वाला बैटर और उसके बाद स्पून की हेल्प से थोड़ा थोड़ा हमारा ग्रीन वाला बैटर डाल देंगे और इसको बिल्कुल भी कवर नहीं करना है, सेंटर में थोड़ा थोड़ा डालना है। और इस तरीके से बहुत ही प्यारा ये कलरफुल डिज़ाइन इसके अंदर तैयार हो जाएगा वाइट और ग्रीन का। और इसके बाद फिर से थोड़ा थोड़ा हम इसके ऊपर वाइट वाला डाल देंगे। इस तरीके से इसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से इस ग्रीन कलर की लेयरिंग सी बन जाएगी जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगी। तो वाइट वाला बैटर भी मैंने थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर डाल दिया है। तो इस तरीके से जितने भी लेयर इसमें बने आप बना दें गाइस, बहुत ही ज़्यादा ये सुंदर लगेंगी देखने में। और इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप परफेक्टली बहुत ही इजी तरीके से बिना किसी झंझट के इन्हें बिना ओवन के बेक भी कर सकते हैं। तो आज की ये जो रेसिपी है, ये कप केक्स हैं, हम कुकर के अंदर बेक करने वाले हैं। तो मैंने मीडियम फ्लेम के ऊपर कुकर को रख दिया है, 10 मिनट हो गए हैं उसे रखे हुए, वो प्री हीट हो गया होगा। उसके अंदर मैंने थोड़ा सा सॉल्ट डाल दिया है, एक स्टैंड रख के उसके ऊपर एक प्लेट रख दी है। अब प्लेट के ऊपर ना ये सारे जितने भी हमारी छोटी छोटी कटोरियां हैं इन्हें हम रख देंगे। अब ये देखिए लेयरिंग हो गई है। इसके बाद एक छोटी सी स्टिक लेके इस तरीके से आप डिज़ाइन भी क्रिएट कर सकते हैं। स्टिक को बिल्कुल अंदर की तरफ ले जा के ना इस तरीके से आप डिज़ाइन बना दें। अब इन्हें कुकर के अंदर रख के कुकर के ढक्कन की विसल और रबड़ निकाल दें और पूरे 20 से 25 मिनट इन्हें बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर बेक होने दें। 20 मिनट से पहले हमें कुकर के ढक्कन को नहीं खोलना है, नहीं तो ये परफेक्टली बेक नहीं होंगे। और बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर 20 से 25 मिनट के बाद हम इन्हें निकाल के चेक करेंगे। तो ये देखिए 25 मिनट के बाद मेरी ये एकदम परफेक्टली बेक हो गए हैं। इसके अंदर एक स्टिक डाल के देख लें कि ये अंदर तक पक गए हैं या नहीं। तो चलिए थोड़े से ठंडे भी हो गए हैं तो इन्हें डीमोल्ड कर लेते हैं। ये देखिए बहुत ही इजी तरीके से फटाफट से ये निकल रहे हैं। अभी भी ये काफ़ी हॉट हैं और गरम गरम में भी निकल गए हैं, कोई इस तरीके से चिपक भी नहीं रहे हैं। ये देखिए एकदम स्पॉन्जी बने हैं, बिल्कुल भी ये बैठे नहीं हैं नीचे तक। और ये देखिए बहुत ही इजी तरीके से निकल रहे हैं, चिपके बिल्कुल भी नहीं है ये अंदर से। तो इस तरीके से आप एकदम सही क्वांटिटी के सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड करें, एकदम परफेक्टली इन्हें बेक करें, तो एकदम से ये कपकेक्स बहुत ही परफेक्टली बेक होके बन जाएंगे। तो गाइस आप भी इस रेसिपी को बनाइए, खाइए और इन्जॉय कीजिए और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो ये देखिए गाइस, और अगर आपको और भी ऐसी अच्छी अच्छी रेसिपीज चाहिए तो मेरे चैनल के ऊपर आप विजिट ज़रूर करें और हमारी मनुष टेस्टी रेसिपीज़ की प्यारी सी फैमिली का हिस्सा बने। और ये देखिए गाइस, ऊपर से मैंने इन्हें चॉकलेट के साथ गार्निश कर दिया है, चॉकलेट सिरप है। आप चाहें तो चॉकलेट को मेल्ट करके इसे ऊपर से डेकोरेट कर सकते हैं या जैसे भी आपको पसंद हो वैसे आप इन कपकेक्स को इंजॉय कर सकते हैं। आप इनके ऊपर फ्रोस्टिंग भी कर सकते हैं या इन्हें ऊपर से चॉकलेट वगैरह से डेकोरेट कर सकते हैं। तो ये देखिए एकदम से ये तैयार हो गए हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो ऐसी ही और इंटरेस्टिंग रेसिपीज के साथ मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।